कि अगर मास का कहीं डिस्ट्रीब्यूशन है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, मास के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप सीखेंगे, ठीक है। कोई एक पार्टिकल का कैलकुलेशन करना, मान लो जैसे हमारे पास एक पॉइंट मास है m, सुनिएगा ध्यान से, दिमाग बनाइए, आज का क्लास जो होने वाला है एक अच्छा सा खासा इंटीग्रेशन आएगा, फिर उसके बाद एनर्जी में हम लोग इंटर करेंगे, तुम्हारा क्वेश्चन एनर्जी से है, उस समय एग्जांपल में दिखा देंगे। तो मान लो जैसे हमारे पास एक पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास से r डिस्टेंस अवे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है gm / r स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास एक होलो स्फीयर है, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, तो उससे r डिस्टेंस अवे हम लोग इतना सिंपल वे से फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालते। क्या करते हैं हम लोग, लास्ट टाइम सीख चुके थे, वी हैव टू फॉलो फाइव स्टेप, मास का डिस्ट्रीब्यूशन पता करेंगे, फिर उसमें एलिमेंट के पार्ट कट करेंगे, उसका मास निकालेंगे, फिर उसका स्मॉल फील्ड लिखेंगे, फिर उसका डायरेक्शन बनाएंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। इससे रॉड के एक्सियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी का एक इक्वेशन आया, रॉड के एक्सियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी का एक इक्वेशन आया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, कोई बताने की हालत में है, याद करके बैठा है? वेरी गुड, जी लैम्डा ब्रैकेट के अंदर 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस है, सही है। फिर एक रिंग था, उसके एक्सेल लाइन पे भी एक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था, क्या था? gmx / r स्क्वायर + x स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है, ये रहा फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। उसके बाद स्फीयर और सॉलिड स्फीयर हम लोग एक एक करके देख चुके हैं। आज स्फीयर जैसा मतलब मास के डिस्ट्रीब्यूशन में पोटेंशियल का कैलकुलेशन करें। अगर हमारे पास मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके इसमें पोटेंशियल से कैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वही हम लोग सीखेंगे। पकड़ लो नीचे concept of gravitational potential, at any point in case of mass distribution, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो, वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट में लिखिए फाइंड टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड स्टेप में लिखिए फाइंड प्रॉपर एलिमेंट्री पार्ट एंड इट्स मास, थर्ड में लिखो राइट स्मॉल पोटेंशियल dv ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्ट एट गिवन पॉइंट। फिर फोर्थ स्टेप में लिख दो v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन देके dv, ठीक है। अच्छा आप दिमाग पे जोर दे, ई में भी आप इसी तरह का स्टेप्स पढ़े थे, बी में भी आप एकदम लगभग सेम स्टेप्स पढ़ रहे हैं, एक स्टेप मिसिंग है, कौन सा? डायरेक्शन। वहां वेक्टर से डील कर रहे थे, यहां किस डायरेक्शन वाला, ठीक है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन, देखिए एक भी डेरिवेशन आपके स्कूल में नहीं आया, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि जब अच्छा क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से आप कैसे काम करते हैं, ठीक है। फिर हम आपको सब फॉर्मूला भी दिखा देंगे, एक एक करके देखते चलो। सबसे पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनी रॉड,
कहाँ निकाल रहे हैं भाई? ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, रॉड के एक्सियल लाइन पे। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है, ये रॉड है, उसमें मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक पॉइंट पी यहाँ पे है इसके एक्सियल लाइन पे। इस रॉड का अपना लेंथ है एल, मास है एम, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है सपोज पी। देखो रॉड के केस में बार बार बताने का ऐसा जरूरत नहीं पड़ता, आप ऑलरेडी सीखे हैं। एलिमेंट्री पार्ट लेंगे ना, यहाँ कोई एक छोटा सा लेंथ लेंगे ऐसे dx, जिसका p पॉइंट से डिस्टेंस होगा x। रॉड मास का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर सरफेस या वॉल्यूम? तो क्या इस केस में लिखते हैं हम लोग, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। हम लोग पढ़ रखे हैं मास बाय लेंथ को लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू m बाय। एलिमेंट्री पार्ट जो है उसका मास लिखना है तो लैम्डा इनटू स्मॉल लेंथ लिख सकते हैं, lambda into small length, इसका मास। अब इस dm की वजह से यहां से x डिस्टेंस अवे पोटेंशियल इक्वल, देखो अपने कॉपी पे तीसरा स्टेप्स जो लिखा गया वो बोला गया dv। dv क्या है? तो जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट है वहां से जो पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट होगा वो लिखना है। तो dv इज इक्वल्स टू फार्मूला पढ़े, माइनस जी एम बाय आर, करेक्ट है, माइनस जी एम बाय आर। एम मतलब क्या? डीएम, और आर मतलब क्या? यहां से यहां डिस्टेंस, और डिस्टेंस एक्स है तो एक्स लिख दिए। अब आप फोर्थ स्टेप देखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी, जी डॉट डीएम बाय एक्स, समझते जाओ, माइनस जी इंटीग्रेशन डीएम के जगह पे लैम्डा इनटू डीएक्स, और नीचे एक्स, इसमें से g और lambda बाहर आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx। लिमिट बताओ जी, x का जो सबसे पहला हिस्सा होगा a से लेके a plus l तक। अब सबसे हार्ड काम तुम बताओ, 1 by x का इंटीग्रेशन बोलो। वेरी lnx, lnx, so it is minus g lambda 1 by x का इंटीग्रेशन ln x a से लेके a plus l तक। So total potential is minus g lambda, पहले अपर लिमिट पुट कर दिए ln a plus l minus lower limit ln a। बताओ जरा, log a minus log b, log a by b, तो potential का formula minus g lambda log a by b, ये आंसर, ठीक है। फिर से एक बार, ये अगर मान लो एक रॉड, और हम तुमसे बोले कि देखो भाई इसके एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है, वहां पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो आप इस रॉड को पॉइंट मास नहीं मान सकते, तो आपको कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है। या तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए, नहीं तो जो जनरल चार स्टेप लिखाया गया उसको याद रखिए, आप समय पर इंटीग्रेट करें, ठीक है। चार स्टेप क्या था कि पहले रॉड को देखेंगे तो मास का ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड करेंगे, तो वो कर लिए लीनियर है, तो मास बाय लेंथ लिख दिए, मास पर यूनिट लेंथ। फिर उसमें एक प्रॉपर एलिमेंट्री पार्ट कट कर लिए, डीएक्स ले लिए, उसका मास लिख लिए। फिर इस डीएम की वजह से जो छोटा सा पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो लिख लिए, फिर उसके बाद इंटीग्रेट किया। अब यहां से जो आप देख रहे, देखिए फिजिक्स 1 2 3 4 यहां तक खत्म। अब उसके बाद जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक लिखा हुआ, वो मैथमेटिक्स, कभी दो चार लाइन में बन जाएगा, कभी 10 लाइन लगेगा। मैथमेटिक्स का ही हिस्सा सबसे बड़ा इंटीग्रेशन। आप तुरंत कोई कोई एल एन एक्स बोल दी, हो गया, लेकिन आपको पता है ना, बहुतों को नहीं याद है कि 1/x का इंटीग्रेशन। अगर आप नहीं याद रखे है ना, तो आप यहां से नहीं कर पाइएगा, आप इंटीग्रेट नहीं कर पाइए, जबकि आप पढ़ाई का टॉपिक देखिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स सब करा दिया, ठीक है, क्योंकि पता आ गया। चलो ये था रॉड के केस, अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, हम सब एक साथ रखेंगे ताकि आपको वो स्टेप समझ में आए कि कैसे वो यूज हो रहा है। दूसरा, आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग लो, उसके एक्सिस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो,
ये रहा रिंग, सेंटर से एक्स डिस्टेंस अवे, इस पॉइंट पर आप लोगों को पोटेंशियल चाहिए, रिंग का रेडियस आर है और रिंग का मास एम है। फिर से बताइए मास का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। जब इतना पता चल जाए कि ये लीनियर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या लैम्डा इज इक्वल्स टू एम बाई इसका पूरा लेंथ कितना, 2 पाई लिख सकते हैं। इस केस में एलिमेंट्री पार्ट एक छोटा सा लेंथ कट करिए डीएल, तो उस डीएल का जो छोटा सा मास आएगा लिख देंगे लैम्डा इनटू डीएल। इस फिगर में वो छोटा सा लेंथ डीएक्स लिया गया था तो लैम्डा डीएक्स है, इस फिगर में डीएल लिया गया है, आप एक्स नहीं ले सकते। क्यों एक्स नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स से यहां दूसरा चीज दिखाई, ठीक है, आप वाई मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, एल मान कोई दिक्कत नहीं, तो लैम्डा इनटू डीएल। अब यहां से यहां तक का एक डिस्टेंस आर, जरूरत पड़ेगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 से हटा देंगे, तो क्या उसका स्मॉल पोटेंशियल लिखते हैं माइनस जी एम बाई आर, एम की जगह डीएम, और फिर वही आ गया लास्ट स्टेप इंटीग्रेशन करना है। देखो यहां वहां कंपेयर करो, फिजिक्स में रत्ती भर चेंज नहीं, मैथमेटिकली जैसा शेप है वैसा काम करना पड़ेगा, जैसा इंटीग्रेशन आएगा उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ये अलग बात, फिजिक्स में कोई चेंज, पहले पता कि मास का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डीएम सिलेक्शन, फिर डीबी लिखे, ठीक है, अब आगे इंटीग्रेशन, वहां 1/x का इंटीग्रेशन था या किसी और चीज का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है हम लोगों का माइनस जी डॉट डीएम बाई आर, इसमें माइनस जी बाई आर कॉन्स्टेंट, डीएम की जगह पे लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा भी कॉन्स्टेंट, सो वी विल बी इक्वल्स टू माइनस जी लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन डीएल। बताओ जी डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, पूरा का पूरा, देखो यहां से स्टार्ट करो और पूरा का पूरा रिंग कवर करने के लिए जीरो से चल के कहां तक जाएगा, जीरो से 2π आता है, माइनस जी लैम्डा बाई आर डीएल का इंटीग्रेशन एल जीरो से 2π आता है, माइनस जी लैम्डा के जगह पुट कर दीजिए वैल्यू m बाई 2π आर, यहां स्मॉल आर और यहां देखो ये लिमिट पुट कर रहे हैं, देखो ये 2π r से 2π r कटा, तो पोटेंशियल हो गया माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, स्मॉल आर को भी हटा दीजिए, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ये पोटेंशियल का। दो इक्वेशन आपके पास, एक रॉड है रॉड के लिए आप सामने है इंटीग्रेशन, एक रिंग है रिंग के लिए सामने इंटीग्रेशन। अगर स्कूल में कभी आपसे कोई डेरिवेशन पूछा गया तो इन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, फिर आगे वही आता है हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, वो केवल कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसमें हम लोग डेरिवेशन स्किप करें, ठीक है, नोट कर लेना। थर्ड डिस्कशन हम लोगों के पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर। यह आपके पास है एक हॉलो स्फीयर जिसका सेंटर यहां है, इसका खुद का रेडियस आर है और अब इसके जब मास का जरूरत पड़ेगा तो एम। आप इस हॉलो स्फीयर के केस में तीन अलग अलग सिचुएशन में पॉइंट दिखा सकते हैं, एक पॉइंट जो सरफेस के बाहर, सेंटर से डिस्टेंस अगर रेडियस से बड़ा होगा तो इनडायरेक्टली भी आपको समझना चाहिए कि जो पॉइंट का डिस्कशन हो रहा है वो हमारे सरफेस से बाहर, ठीक है। दूसरा पॉइंट सरफेस पे जब रेडियस
और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल हो, और थर्ड पॉइंट अंदर जब डिस्टेंस रेडियस से छोटा हो। देखो बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल का सीधा इक्वेशन आप जीएम बाई माइनस जीएम बाई आर याद रखेंगे, सरफेस के लिए पोटेंशियल होता है माइनस जीएम बाई कैपिटल आर, और अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। देखो यहां थोड़ा सा कुछ समझना है बात को, किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर में कोई भी पॉइंट है तो वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। हॉलो स्फीयर के अंदर में कोई भी पॉइंट है तो पोटेंशियल कितना होता है, तो ये उतना ही होता है जितना कि सरफेस का पोटेंशियल होता है। मान लीजिए आपके पास एक 6 kg का हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस है 3 मीटर, तो उसके सरफेस का पोटेंशियल होगा माइनस जी सिक्स बाई थ्री, मतलब माइनस जी सिक्स बाई थ्री मतलब टू, माइनस टू जी, माइनस टू कैपिटल जी। तो सरफेस पे अगर ये माइनस टू जी है तो अंदर का कोई भी पॉइंट आप चुन लो, इवन सेंटर भी चुन लो उसमें, तो वहां पे माइनस टू जी बाई माइनस टू जी ही रहेगा, माइनस टू जी ही रहेगा, उतना ही पोटेंशियल जितना कि सरफेस पे। कोई भी हॉलो स्फीयर के सरफेस से लेके अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है ग्राफिकली। एक रिमार्क जो सबसे पहले आपको यहां पे जरूर है ना नजर में ला ले देखना चाहिए, वो ये है कि पोटेंशियल का चाहे कोई भी डाटा हो, अंदर हो बाहर हो सरफेस पे हो, सब माइनस है, नेगेटिव। इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर नहीं नीचे बने, माइनस। ये है r इक्वल्स टू 0 मतलब सेंटर पे, ये है r इक्वल्स टू कैपिटल r सरफेस पे, और ये r ग्रेटर देन कैपिटल r सरफेस के बाहर। तो चाहे आप सेंटर पे हो या सरफेस पे पोटेंशियल एक ही होता है, कांस्टेंट होता है, बोलो सही है कितना होता है, तो माइनस gm / r। लेकिन जैसे ही आप सेंटर सरफेस से बाहर निकलते हैं माइनस आर के साथ इनवर्सली है तो ये घटता है, समझ आ रहे हैं? इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। तो देखो जरा सोच के बताना, एक आया हुआ क्वेश्चन है जरा देख के बताइएगा। देखिए अभी है ना टॉपिक हो रहा उसी पे क्वेश्चन हम बोल रहे हैं तो इजी लगता है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सरफेस ऑफ एनी हॉलो स्फीयर। जीरो, जीरो। आज दिमाग इसलिए अभी स्थिर है, इतना सही आंसर आ रहा है क्योंकि यह टॉपिक है आंसर। लेकिन जब आपके पास पूरा 1000 मेथड आपको बता दिया गया, जब आप बैठे एग्जाम में, तो आपका दिमाग इतना हिट कर जाए बहुत, ठीक है? तो बिकॉज अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट व्हिच इज लाइंग इनसाइड द सरफेस एंड ऑन द सरफेस। इनसाइड सरफेस और ऑन द सरफेस के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है? आइए सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर या आपके पास एक सॉलिड स्फीयर सेंटर है, यहां पूरा सॉलिड स्फीयर का मास जो है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक एग्जांपल दो सॉलिड स्फीयर का, अर्थ, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, वेरी गुड। अब देखो फिर से आपके पास तीन पॉइंट, एक पॉइंट पी वन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ग्रेटर देन आर, दूसरा पॉइंट पी टू इक्वल्स टू आर, और तीसरा पॉइंट पी थ्री लेस देन आर। देखो बाहर वाला पॉइंट और सरफेस वाला पॉइंट एकदम हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर आइडेंटिकल होता है, जैसा हॉलो स्फीयर में है माइनस जीएम बाई आर, उसी तरह सॉलिड स्फीयर में भी होगा माइनस जीएम बाई आर, माइनस जीएम बाई आर। लेकिन जब आप अंदर बात करते हैं ना तो यहां एक टिपिकल इक्वेशन सामने आता है, पोटेंशियल इनसाइड इज माइनस जी
m by 2r cube bracket में 3r square minus r square. This is the equation of potential inside the solid sphere. तैयार रहना थोड़ा सोचने के लिए. यहाँ small r क्या है? Distance है. किससे किसके बीच? Center से point के बीच. सेंटर से उस पॉइंट के बीच जो सरफेस के अंदर है. आपको सरफेस पे या सरफेस के बाहर नहीं जाना है. सरफेस पे या सरफेस से बाहर जाइएगा तो आपको इक्वेशन बदलना पड़ेगा. ठीक है? सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जो सरफेस के अंदर है, तब आप इस इक्वेशन को यूज करें. माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. आर कैपिटल आर इज द रेडियस, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं, लेकिन स्मॉल आर ये डिपेंड करेगा कि आपका क्या है. अभी देखो, जैसे थोड़ी देर पहले भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर अगर सेंटर से रेडियस के आधे डिस्टेंस पे है तो फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स पूछा हमसे. ठीक है, हम उसी चीज को पोटेंशियल में भी तो बोल सकते हैं. हम तुमसे बोलेंगे सेंटर से एक ऐसा पॉइंट है जो रेडियस के हाफ में है, तो स्मॉल आर किसके बराबर? आर बाय टू. उसको पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए. सेंटर का पोटेंशियल, अगर आप सेंटर के पोटेंशियल पे बात करते हैं एट सेंटर, तो स्मॉल आर जीरो हो जाएगा. जब आपका स्मॉल आर इस इक्वेशन में जीरो होगा तो पोटेंशियल को थोड़ा सर्च करो. माइनस जी एम थ्री आर स्क्वायर माने टू आर क्यूब आएगा. क्या ये सॉल्व करके माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई आर आ रहा है? अगर आप सरफेस पे बात करते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है. तो या तो आप इसमें कैपिटल आर पुट कर लीजिए या इस इक्वेशन को सीधा यूज कर लीजिए. दोनों से एक ही आंसर आना है आपका. नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. मैग्नीट्यूड वाइज बताओ पोटेंशियल का वैल्यू कहां जाता है, सेंटर पे या सरफेस पे? माइनस छोड़ो, माइनस मत, सेंटर पे, क्योंकि उसमें 3/1.5 times. आप जब इसका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, ये पोटेंशियल और ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये r इक्वल्स टू 0 है, सेंटर पे हैं आप, ये r इक्वल्स टू कैपिटल r है और फिर ये r ग्रेटर देन कैपिटल r. जरा गौर करना, बाहर वाला और सरफेस के लिए ये दोनों इक्वेशन एकदम प्रीवियस वाले के जैसा है. तो जो सरफेस है और सरफेस के बाहर है, ये ग्राफ कॉपी पेस्ट होगा ऐसा. ये वैल्यू कितना? सरफेस वाला माइनस जी एम बाई आर और ये सेंटर वाला 3/2 जी एम बाई आर. सेंटर पे है -3/2 जी एम बाई आर, सरफेस पे है माइनस जी एम बाई आर. तो यहां से लेके यहां तक हम आपको दो लाइन बना रहे हैं. आप बताइएगा सही कौन है, बताइए स्ट्रेट लाइन सही है या कर्व सही है और क्यों सही है? कर्व सही है, ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन में गौर करो r स्क्वायर है, r क्वाड्रेटिक है, स्मॉल r के टर्म में क्या है? क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोला होता है, कर्व होता है. तो आप यहां से ऐसे कर्व बनाते हुए यहां तक जाएंगे और फिर उधर वाला कर्व तो आपके पास है. यह पोटेंशियल का वैल्यू. ठीक है, एक क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था, what is the potential difference between center and surface in case of hollow sphere, and your answer is 0 obviously. क्या solid sphere में सही है? नहीं, solid sphere में center का potential है -3/2 gm by r जबकि surface का potential है -gm by r. so there is some potential difference. even जो line बोलेंगे बहुत ध्यान से सुनना, even solid sphere के center और उसके अंदर कोई भी पॉइंट के बीच देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस. सही है ना? सेंटर को पकड़ दो और यहां पकड़ दो तो इसका कुछ अलग आएगा, इसका अलग आएगा ना. ठीक है, सेंटर को पकड़ लिए, इस पॉइंट को पकड़ लिए,
नहीं है तो इसका एक अलग वैल्यू है, यहाँ कुछ और आएगा, अलग आएगा ना, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ होलोस्फीयर। होलोस्फीयर में अंदर का हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, कॉन्स्टेंट, तो देयर इज नो पोटेंशियल। क्लियर है? नोट करो। इसके बाद जो हम लोग इसमें टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन में सुनिएगा बहुत ध्यान से, ग्रेविटेशन में तीन चार सेक्शन है, हर सेक्शन को पढ़ने पढ़ाने और समझने का एक तरीका होता है। ध्यान से आपको है ना, पूरा ग्रेविटेशन एक्चुअली सबसे पहले आप फोर्स लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद आप पढ़े जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पता है ये दोनों चीज कंपटीशन और स्कूल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है? लेकिन जो आप प्रीवियस क्लास और आज के क्लास में आप पढ़ रहे हैं ना, आप एक्चुअली पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पिछले दिन पढ़े थे, आज आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी मेनली डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों स्कूल में काम कम आता है, नहीं बोल रहे नहीं आता, स्कूल का मन है अपना, पूछेगा पूछेगा, इसमें क्या, हम तो आप पढ़ा रहे हैं, बट बेसिकली दे आर वेरी सिलेक्टेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ई का वैल्यू, भी का वैल्यू और आगे भी यू पढ़ने जा रही हूँ, मतलब एनर्जी, ये तीनों है ना ज्यादा सिलेक्टिवली वहां पूछा जाता है। फिर इसके बाद आपका एक फेज स्टार्ट होगा जिसमें आप कैप्लर्स लॉ पढ़ेंगे, प्लैनेटरी मोशन, सैटेलाइट मोशन एंड एस्केप वेलोसिटी। वापस से ये जो तीन सेक्शन आप पढ़ेंगे, फिर से ये दोनों जगह काम आएंगे, ठीक है? तो अभी वाले पोर्शन में आप इसी नजरिए से सोचिए कि इसका ऑब्जेक्टिव्स कैसे आएगा, क्वेश्चंस कैसे होगा। इवन जो स्टूडेंट आज क्वेश्चन पूछा था, उसका कहना था कि दो पार्टिकल है, एक का मास m है, एक का मास 4m या समथिंग कुछ है, जब हम दोनों को छोड़ देंगे तो ग्रेविटेशन की वजह से दे अट्रैक्ट ईच अदर, जब दोनों अट्रैक्ट करेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस जब हाफ हो जाए, पहले मान लो 1 मीटर पे था, अभी आधा हो जाएगा, उस समय दोनों स्पीड गेन कर लेगा, आपको स्पीड बताना। This will solved by gravitational potential energy concept. तो जैसे उसका question देखे, हम उस समय बोले कि भाई रुक जाए, energy पढ़ेंगे तब। तो हम लोग जो आगे देखने जा रहे हैं, that is called gravitational potential energy. बहुत सारे स्टूडेंट इसी डाउट में रह जाता है कि सर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्या ये दो अलग चीज है? हाँ बिल्कुल दो अलग चीज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। कोई एक सोर्स मास था, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता था, तो फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए दो पैरामीटर आपको बताया गया, एक था फील्ड इंटेंसिटी और एक था फील्ड पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज कंटेन्ड इन द सिस्टम ऑफ मासेस। मान लीजिए ये रूम है, हम लोग 40-50 मास यहां पे इकट्ठा है, तो हम लोग के मासेस में आपस में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उस अट्रैक्शन की वजह से यहां पे एनर्जी, उस एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल टर्म में अगर बात करें, मासेस को लेकर चल रहे ग्रेविटेशन में बात करें, तो ये कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? बाय डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन आएगा और उसके बाद फिर इसका जो अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल्स, उसको कैसे हैंडल करना वो देखेंगे, ठीक है? लिखो नीचे डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है इसमें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by external agent in bringing any mass from infinity to any point with constant velocity
with constant velocity is known as gravitational potential energy. Is known as gravitational potential energy. अब आप सबसे पहले हमको एक चीज बताएं, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ टू टर्म्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पहले दिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखा, आज पोटेंशियल एनर्जी का लिखा, दोनों में अंतर क्या? बोलो बोलो, ट्राई करो. पहले दिन का जो डेफिनेशन था पोटेंशियल का, वो यूनिट मास के लिए था, मतलब वहां आप इंफिनिटी से केवल वन यूनिट मास लेके आ रहे थे. लेकिन अभी का डेफिनेशन एनी मास के लिए है, इसमें 2 kg, 5 kg, 20 kg, जो चाहो आप लेके आ सकते, ठीक है? ध्यान से देखो, मान लो जैसे हम लोग M1 और M2 मास का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं. स्टेटमेंट पे बात कीजिएगा, M1 एंड M2 मास का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं. तो सिस्टम बनाने का तरीका ये है कि M1 को लाके यहां रख दीजिए. जब आप अकेले M1 को लाके रख रहे थे तो ना कोई काम खींचने वाला था ही नहीं, कोई मास था ही नहीं, तो आपको कोई काम करना नहीं पड़ेगा. पहला मास लाने में कभी कोई काम करना नहीं पड़ता, तो M1 को लाके रखते. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप M2 को इंफिनिटी से लेके आ रहे थे तो लगातार M1 इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, ग्रेविटेशन खींच रहा. अगर मेरे हाथ से M2 छूट जाए तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन लाना तो है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो बराबर से हमको उसको पीछे की तरफ खींच के रखना पड़ेगा. हमको खींचना होगा, जाएगा उधर, खींचेंगे इधर, ठीक है? किसी क्षण देखिए, M2 यहां सबसे लास्ट में पहुंचेगा, अभी है नहीं, यहां सबसे लास्ट में पहुंचेगा. किसी क्षण मान लीजिए M2 यहां P' पॉइंट पे, जिसका M1 से डिस्टेंस है x, हम फिर से एक बार जोड़ दें, M2 अभी यहां नहीं है, M2 इंफिनिटी से आ रहा है, करेक्ट ना? किसी क्षण एट एनी इंस्टेंट लेट M2 is at P' point. M2 जो है वो P' point पे है. So gravitational force on M2, gravitational force जो M2 पे लग रहा है, that can be written as g M1 M2 by distance का स्क्वायर. क्या ये ग्रेविटेशन का फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच रहा है? अगर आपके हाथ से छूट जाए तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको एक्सेलरेट कर लेगा. आप अगर चाहते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स आपको बराबर बराबर अपोजिट में लगाना पड़ेगा. सही है? टू मेंटेन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उसका मैग्नीट्यूड तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, करेक्ट है? यहाँ का माइनस नहीं फोर्स है, सो इट इज माइनस जी M1 M2 बाई एक्स स्क्वायर. अच्छा, डेफिनेशन पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी निकालने का मतलब है वर्क का कैलकुलेशन. तो आप ऑलरेडी एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स देख रहे हैं, ये फोर्स बताओ कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल है, कांस्टेंट कैसे? इसमें x है नीचे, x स्क्वायर है नीचे, ठीक है? अगर x नीचे है तो डिस्टेंस के साथ ये वेरी कर रहा है, सो यू कैन से दैट इट इज अ वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल फोर्स है, सो यूजिंग कैलकुलस टू फाइंड वर्क, आप
कैलकुलस यूज कर रहे हैं इसका वर्क निकालने के लिए। देखो डिस्प्लेसमेंट है dx, तो dw का वैल्यू हो गया f एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वर्क का फॉर्मूला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फिगर देख लो अच्छे से, फिगर देखते रहो अच्छे से। कॉस कितना डिग्री? 180। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में है, सो वर्क के लिए यहां पे कॉस 180। dw = -gm1m2/x2 dx cos 180 minus 1, minus minus cancel, dw का वैल्यू हो गया gm1m2/x2 dx। ठीक है, अब आ जाओ टोटल वर्क के लिए। क्या टोटल वर्क के लिए स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन होगा? सो इंटीग्रेशन ऑफ gm1m2 by x square and dx, constants को बाहर निकालो, integration of x to the power minus 2 dx कहाँ से कहाँ था? पिछले दिन put किया था limit, कहाँ से आप ला रहे थे charge mass को? Infinity से, ला के जिस point पे रखना है, चलो यहाँ रख लो, उसका distance कितना है? R, तो infinity से लेके R तक, सही है? So W will be equals to G M1 M2 x पे पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन करो, x पे पावर माइनस वन बाय माइनस वन इनफिनिटी से लेके आकर G M1 M2 ये माइनस को बाहर कर दी, R पे पावर माइनस वन इनफिनिटी पे पावर माइनस वन माइनस G M1 M2 1 by r minus 1 by infinity, बोलो तो 1 by infinity का वैल्यू 0, खत्म हो। तो आपके पास वर्क आया minus g m1 m2 by r। डिफरेंशिएशन ये कहता है कि जितना भी आप वर्क करेंगे, जो भी आप मास को लाने में वर्क करेंगे, वो वर्क सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। सो this work will be stored as potential energy of the system, potential energy का ये symbol है U से, हाँ? तो आपके U का value हो गया minus G M1 M2 by R, ये आपके पास है दो मास के लिए, अगर potential energy पूछा जाए तो आपको ऐसे proceed करना है, ठीक है? आप सुनिएगा, पूरा ध्यान दो, थोड़ा दिमाग स्थिर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आएगा वो इसका numerical part होगा, पहले आपको ये derivation clear होगा। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में या कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी का जब बात करते हो पूरे फिजिक्स में, वो कुछ और नहीं होता, जरूर उस सिस्टम में कोई एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया काम होता है। जैसे एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग में जब तुम उसको अगेंस्ट में उसको खींचते हो या दबाते हो तो आप जो वर्क करते हैं वो सिस्टम अपने अंदर स्टोर कर। अभी आप स्प्रिंग हम देंगे बोलेंगे खींची, तो आप उसको खींचने में जितना वर्क कीजिएगा सिस्टम उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, तो वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, याद करो वर्क एनर्जी पावर में डेरिवेशन। ठीक, आगे आ जाओ, आज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या था, ये एम1 जो है वो एम2 को लगातार अपनी तरफ खींच रहा, आप उसको अगेंस्ट खींच के रखें तो आप उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। फिर आपका किया गया काम, आप काम ही निकाले हैं भाई, किया गया काम ही आप निकाले हैं, लेकिन यही काम वहां पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले तो ये समझो
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आप माइनस जी एम वन एम टू बाई आर लिखते हैं, एक्चुअली दो मास का सिस्टम बनाने में किया गया वर्क के बराबर। दो मास का सिस्टम, जैसे मान लो ये मार्कर यहाँ है, इसको एक पॉइंट मास की तरह ले लीजिए, दूसरा मार्कर इन्फिनिटी से ला के हम यहाँ पे आर डिस्टेंस अवे पे रखते हैं, तो ये एक सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क, इस सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मिस्ट हो, ठीक है। अच्छा, अगर सिस्टम में दो की जगह तीन मास रहा हो, पार थ्री मासस, मान लो जैसे एक मास M1 यहां है, एक मास M2 यहां है और एक मास M3 यहां है, ऐसा ये तीन मास का सिस्टम, कोई बता सकता है इसको पूरा बनाने में कितना अलग अलग तरह का वर्क किया गया होगा? जब फर्स्ट को ले आए, फर्स्ट मास M1 को ले आए, तो क्या कोई वर्क किया गया? कोई नहीं। लेकिन जब आप टोटल वर्क लेते हैं, जब आप फर्स्ट के अगेंस्ट में सेकंड को लाए, तब तो वर्क किया गया होगा, वन टू आ गया। जब आप थर्ड को ला रहे हैं तो वन के अगेंस्ट में भी काम करेंगे और टू के अगेंस्ट में भी, तो थर्ड को लाने में वन के अगेंस्ट में भी आप काम करेंगे और टू के अगेंस्ट में। अब आप इसी को अगर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में लिखिएगा, तो ये जो टोटल वर्क है वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर्मूला वाइज अगर तुम जाओगे तो माइनस जी वन टू का लिखने के लिए वन और टू का मास लोगे, और वन और टू के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को लेके आपका काम बढ़ना है, ओके। फिर जब आप वन थ्री लोगे तो वन और थ्री का मास लोगे, और वन और थ्री के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेके आपको बढ़ना है, और उसी तरह टू थ्री मास टू का लोगे, मास थ्री का लोगे, और टू और थ्री के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप कंसीडर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। जब जैसा मास का पेयर चुनना है, डिस्टेंस भी उसी के हिसाब से लेना है। अभी जरा फिगर देख के या इमेजिन करके सोच के बताओ, अगर चार मास रहेगा, चार मास M1, M2, M3, M4, बताओ जरा सोच के वर्क का कितना टर्म उसके अंदर इन्वॉल्व होगा? कितना? छह इन्वॉल्व होगा, छह, वेरी गुड, छह इन्वॉल्व। तेरा गौर करना, पर फोर मास सिस्टम, चार मास सिस्टम, एक यहां है M1, मान लो यहां M2, सपोज कहीं यहां है M3 और कहीं यहां M4, जब आप इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए टोटल वर्क निकालेंगे तो आपको 1 2 के लिए वर्क, 1 3 के लिए वर्क, 1 4 के लिए वर्क निकालना पड़ेगा, प्लस 2 3 का वर्क, 2 4 का वर्क, और फाइनली 3 4 का वर्क निकालना पड़ेगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में रैंडम ना लिखिए, ये मेरा सजेशन है, काम तो आपका। रैंडम कहने का मतलब 1 3 लिख दिए, 2 4 लिख दिए, 3 5 लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, ऐसे आपसे छूट जाएगा। लिखने का एक सीक्वेंस है, आप उस सीक्वेंस को पकड़िए। मान लीजिए चार मास का लिखना है, तो 1 2 1 3 1 4 1 खत्म, फिर 2 3 2 1 नहीं 2 3 2 4 2 खत्म, 3 4। मान लो हम लोग के पास 7 मास का सिस्टम है, अगर आप सिस्टमैटिक नहीं जाएंगे ना, 7 मास में आप सोच ही नहीं, फंस जाएगा आप, उसी में गुना करेंगे तो फंस जाएगा। ऐसे एक मिनट का क्वेश्चन रहता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 खत्म, 2 3 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 खत्म, 3 4 3 4 3 5 3 6 3 7 आगे 4 5 4 6 4 7 अगला 5 6 5 7 लास्ट 7, कुछ नहीं छूटे। सो मेक अ सीक्वेंस, ऑलवेज मेक अ सीक्वेंस, और आपको इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पता है कि अगर स्टूडेंट रैंडम काम करे फंस जाए, तो नंबर बढ़ा दिया जाए। अच्छा, इसमें हार्ड क्या है? इसमें कुछ हार्ड नहीं, खाली आपको नंबर बढ़ा के आपको कंफ्यूज कर दे, ठीक है।
तो आपको समझना चाहिए इस तरीके से आप निकालते हैं। अब देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह, थ्री डायमेंशनल फिगर आपको समझ में आता है, ये थ्री डायमेंशनल फिगर समझ में आ रहा है, एक्स है ये वाई है ये जेड है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। देख भाई यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ एम है, यहाँ एम है, ये भी एम है और ये एम, जो भी ओरिजिन से डिस्टेंस दिखाई दे रहा मास का सब एल, ओरिजिन से सब डिस्टेंस कितना है एल एल, यहाँ छह मास। हम बोलेंगे भाई इस सिस्टम का तुम एनर्जी निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी, या इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क किया गया वो निकाल दो, दोनों मान से देखिए आपसे बोला जाएगा सिस्टम का एनर्जी निकाल दो या इस सिस्टम को बनाने में जो टोटल वर्क है वो निकाल दो, करना है कि का। तो अगर आपसे हम पूछते हैं वर्क टोटल या आपसे पूछते हैं सिस्टम का वर्क, दोनों का आंसर है ठीक है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क सिस्टम को बनाना, दोनों का आंसर है। छह मास है आपके लिए, थोड़ा इजी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहां पे माइनस जी एम वन एम टू बाई डिस्टेंस 1 2 लेंगे, फिर माइनस जी एम वन एम थ्री बाय डिस्टेंस 1 3 लेंगे, फिर माइनस जी एम वन एम फोर बाय डिस्टेंस 1 4 लेंगे, फिर माइनस जी एम वन एम फाइव बाय डिस्टेंस 1 5, माइनस जी एम वन एम सिक्स बाय डिस्टेंस 1 6, माइनस जी एम टू एम थ्री तो डिस्टेंस 2 3, माइनस जी एम टू एम फोर डिस्टेंस 2 4 ठीक है, माइनस जी एम टू एम फाइव डिस्टेंस, माइनस जी एम टू एम सिक्स तो डिस्टेंस भी 2 6, माइनस जी एम थ्री एम फोर डिस्टेंस 3 4, माइनस जी एम थ्री एम फाइव 3 5, माइनस जी एम थ्री एम सिक्स डिस्टेंस 3 6, माइनस जी एम फोर एम फाइव डिस्टेंस 4 5, माइनस जी एम फोर एम सिक्स डिस्टेंस 4 6, माइनस जी एम फाइव एम सिक्स डिस्टेंस 5 6। देखो इतना मेहनत से लिखे, तुम्हारा काम ये है M1, M2 कोई भी मास लोगे तो M पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम डिस्टेंस बताना स्टार्ट करो जो पूछे, बताओ कहाँ गया 1 2 1 2, कितना लोगे? रूट 12 ये 90 है, x और y है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रूट 12 ना होगा, समझ पाए? एक x है एक y, ये भी l है ये भी l, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? रूट 12, डिस्टेंस बताओ। तो 1 3 का कितना लोगे? रूट 12, रूट 12 अगेन, समझ में आ रहा? एक x है एक z है, तो यहाँ l है ये l है, तो ये डिस्टेंस रूट 12 ठीक है। अगला बताओ 1 4 का, 12, एक पॉजिटिव x में एक नेगेटिव x, तो L और L 12, बस सोच समझ के पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, क्लियर? हर चीज को सोचना पड़ेगा, इतना भी इजी गोइंग नहीं होता, स्टूडेंट लोग ऐसे देखते, अच्छा यहीं पे देखो, अगर 1 4 का डिस्टेंस लेना पड़ेगा तो डायगोनल लेना हो, अगर 2 3 का लेना है डायगोनल लेना है, अगर 1 2 का 1 3 का लेना है एज लेंथ लेना है, 1 2 एज लेंथ लेना है, एज लेंथ है डायगोनल है, तो जैसा सिचुएशन वैसा ठीक है। नोट करो यहां जल्दी करना, छोटा सा और सेक्शन है एनर्जी वाला बताना। इसी केस में इफ कंफिगरेशन ऑफ एनी
सिस्टम ऑफ मासेस चेंजेस विदाउट चेंजिंग स्पीड। इसका मतलब क्या है? मान लो जैसे आप लोग है ना 45 स्टूडेंट्स हैं, आप लोग 45 स्टूडेंट्स अब अभी रेस्ट में अज्यूम कर सकते हैं, सब पर बैठे। इस सिस्टम का एक एनर्जी है, अभी कोई एक स्टूडेंट अपनी जगह से खड़ा हो और वो किसी दूसरे जगह पे जाके बैठ जाए, ऐसे ही हर कोई अपना पोजीशन बदल ले या कुछ बदल ले, कुछ अपनी जगह पे जैसे वैसे ही रहे, तो क्या इस रूप में जो मासेस का अरेंजमेंट है उसमें बदलाव हो जाएगा? लेकिन फिर से सब कोई बैठ ही गया है तो फाइनली फिर से तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म सेम ही है। तो इस पूरे प्रोसेस में एक मास यहां से उठा, वहां जाके बैठ गया, वहां उठा, वहां जाके बैठ गया, एंड सो ऑन। जो मास में जो हमारे कॉन्फिगरेशन में बदलाव हो रहा है, कॉन्फिगरेशन में जो बदलाव हो रहा है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन स्पीड, वैसे केस में ऑलवेज रिमेंबर कि वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट का होगा ना वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जो एक्सटर्नल एजेंट का किया गया वर्क होगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के बराबर होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास तीन मासेस है, इन तीनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है एल, एल और एल। आप एक एक्सटर्नल एजेंट हैं, आप यहां आए और इन तीनों मास को एक दूसरे से दूर कर दिए, उनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया, उनके बीच का सेपरेशन सपोज डबल हो गया, उनके बीच का सेपरेशन मान लो डबल हो, तो तुमसे पूछा गया कि भाई आप कितना वर्क किए, तो क्या ये ऊपर वाले टॉपिक के हिसाब से तुमको समझ में आ रहा है कि जो हम टॉपिक भी उसी तरह का टर्म है? अभी आप जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, छह मास रखे थे, अगर हम बोलेंगे कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो मास है वो अगर ओरिजिन पे चला जाए, ठीक है, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला जो मास है वो जहां था उससे और भी दूर चला जाए, तो सिस्टम का कॉन्फिगरेशन बदला, व्हाट इज द वर्क? करना क्या होता है, इनिशियल फिगर को देख के आप इनिशियल एनर्जी निकाल लो, निकालेंगे कैसे, तो तीन मास वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे निकल जाएगा, फाइनल फिगर को देख के फाइनल एनर्जी निकाल लो, and work done by external agent is equals to change in potential energy, मतलब final energy में से initial को minus कर दो आपको answer मिलेगा, clear है? ये उस समय जब आप काम करते हैं और आपके काम करने की वजह से configuration में बदलाव होता है, लेकिन gravitation में एक और भी concept है जिससे configuration में बदलाव होता है, और वो है, छोड़ दीजिए बस, सब खींच रहा है एक दूसरे को, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो भाई दूर तो नहीं जाएगा लेकिन नजदीक तो आएगा, तो नजदीक आएगा तो जो सेपरेशन अभी आपको L L L दिखाई दे रहा है वो थोड़ी देर के बाद L by 2 होगा और थोड़ी देर के बाद L by 4 होगा, उस समय भी तो कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव होगा। वैसे सिचुएशन में इफ मासेस आर फ्री टू मूव under gravitational attraction, अगर masses gravitational attraction से gravitational attraction के इन्फ्लुएंस में free है मूव करने के लिए, तो concept ऐसे चलता है, तो find unknowns, ऐसे केस में अगर आपको unknown निकालना है use पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और अगर इससे काम नहीं बनेगा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये दो चीज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, ठीक है? देखिए हम शुरुआत में बोल चुके हैं इससे स्कूल में कम क्वेश्चन रहेगा, तो आप जब सोचते हैं ना कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ते हैं आप ग्रेविटेशन लेकिन वो यूज फिजिक्स का करता है, ठीक है, मोमेंटम ये सब सब का भी ये। अब यहां पे आया तुम्हारा क्वेश्चन, देखो जो आज क्वेश्चन पूछा था, एक ध्यान से देखिएगा, एक मास m है, एक मास 2m है या 4m में कुछ होगा, उनके बीच का डिस्टेंस b है,
इसको आप छोड़ दीजिएगा तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। बोला गया कि जब उनके बीच का सेपरेशन हाफ हो जाएगा तो दोनों मासेस का स्पीड निकल, ठीक है, ये पहला फिगर। जब उनके बीच का सेपरेशन हाफ हो गया, मान लो हो गया, तो क्या इसका स्पीड और इसका स्पीड होगा? अच्छा बताओ, दोनों का जो स्पीड होगा, वेलोसिटी तो नहीं बोल सकते, वेलोसिटी तो अपोजिट में है, जो दोनों का स्पीड होगा वो सेम होगा या डिफरेंट? अगर मासेस सेम होता ना तो सेम होता है, और अगर मासेस अलग अलग होता है तो डिफरेंट होता है। अगर ये m और ये भी m रहता तो दोनों भी होता, ठीक है। अगर ये m और ये 2m 4m 5m 10m कुछ भी दिया तो सेम नहीं, अगर सेम नहीं है तो चलो भाई एक को v1 और एक को v2 लिख लो। ये इनिशियल फिगर, ये फाइनल फिगर, उनके बीच का सेपरेशन नाउ बिकम्स d by 2। करना है यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए तो एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनल लिखिए। बोलिए यहां पे जब दोनों रुका हुआ था तो एनर्जी किस फॉर्म में? पोटेंशियल माइनस जी एम एम बाई डी, हो गया ना। और जब यहाँ पे दोनों के बीच का सेपरेशन आधा हो गया, दोनों स्पीड गेन कर लिया, तो एनर्जी किस किस फॉर्म में? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक है हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ टू एम वी टू स्क्वायर, और पोटेंशियल के नाम पे माइनस जी एम टू एम, यहाँ टू एम होगा, यहाँ टू एम होगा, यहाँ जल्दी समझेंगे, बाई डी बाई टू होगा। आप देखो जरा इस इक्वेशन को, इस नीचे वाले इक्वेशन को देखो, इस एक इक्वेशन से आप दो वेरिएबल नहीं निकाल सकते। एक इक्वेशन है, दो को वेरिएबल है v1 और v2, तो दो वेरिएबल आप कैसे? अच्छा अगर दोनों मास सेम होता तो एक ही वेरिएबल होता, v होता, वो निकल जाता। अगर दोनों मास सेम होता तो दोनों v होता, तो एक ही वेरिएबल होता, वो निकल जाता। लेकिन यहां दोनों मास अलग है, दो वेरिएबल है, तो आप एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाए। दूसरा इक्वेशन ये बना के देखो, using conservation of linear momentum, initial momentum और final momentum बराबर, initial momentum zero, final momentum में देखो m v1 i cap, 2m v2 minus i cap, m v1 i cap plus 2m v2 minus i cap, वो minus वाला इधर आ गया, 2m v2 is equals to m v1, mm cancel, मतलब जहां v1 है वहां आप 2v2 लिख सकते हैं। अब जहां v1 है वहां 2v2 लिख दो, सॉल्व करो, v2 मिल जाएगा, v2 को वहां प्लस कर दो, v1, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का काम तब पड़ेगा जब मासेस अलग अलग है, अदरवाइज अगर मास सेम है तो आप केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिएगा तो भी आंसर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन सुनो, चलो खत्म। मान लो एम 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 ये तीन मास है, सेपरेशन है 12, 12, 12, हम तीनों को छोड़ देंगे तो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, तो कभी 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 घट के ये भी होगा। तो जब इनका सेपरेशन घट के एल होगा तो तीनों कुछ ना कुछ स्पीड गेन कर लेगा। तुमसे बोले भाई चलो तीनों का स्पीड निकालो, तो जरा सोच के बताना, ये जो फिगर आपके सामने बना के रखे हैं, तीनों का स्पीड गेन सेम होगा या डिफरेंट? सेम होगा, तीनों मास सेम। तो शुरुआत में लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और बाद में तीनों का स्पीड के कारण तीन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम वन एम टू बाई आर वन टू माइनस जी एम टू एम वन एम थ्री बाई आर वन थ्री माइनस जी एम टू एम थ्री बाई आर वन, दोनों को बराबर कीजिए, सॉल्व कीजिए, एक इक्वेशन से आंसर है। एक इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपका आंसर आ जाएगा अगर मासेस सेम होगा, और अगर मास सेम नहीं होगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक इक्वेशन बनेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत? खत्म, यहां तक ना।